बहुत समय बाद एक अच्छी खबर। जी हाँ, एक ड्राफ्ट जो कि एनएमसी ने प्रोवाइड किया है, पब्लिक नोटिस में लेकर के आए हैं। 2 साल से इसका इंतजार था स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हर साल एमबीबीएस, पीजी और यूजी, यानी कि एमबीबीएस जो यूजी एग्जाम होता है और पीजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो दोनों ही बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी कई बार कट ऑफ जो होती है, खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो कट ऑफ होती है, उनसे कुछ दूरी पे रह जाते हैं और सिलेक्शन नहीं हो पाता है, साल खराब हो जाता है, या तो फिर से ड्रॉप करते हैं या कई बार अपना ये सपना ही छोड़ देते हैं। लेकिन एनएमसी ने स्टूडेंट्स के इस दर्द को समझा और बहुत समय से अटके हुए अपने ड्राफ्ट को अब सामने लेकर के आए हैं। इस ड्राफ्ट में 25 पॉइंट्स लेकर के आए हैं। हम सभी 25 पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो मेडिकल कॉलेजेस के लिए हैं। हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए। क्या है वो पॉइंट्स? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनएमसी ने पॉइंट कहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस को, कि वो किसी भी हाल में कैपिटेशन मनी नहीं ले पाएंगे। कैपिटेशन फीस जिसको बोलते हैं, कैपिटेशन मनी बोल सकते हैं, एक लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूं तो जिसको आप डोनेशन कहते हैं। कई बार हमने सुना है, इवन हम जब काउंसलिंग कराते हैं, क्योंकि हम काउंसलिंग कराते हैं, तो हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस से, खास करके साउथ के मेडिकल कॉलेजेस से कॉल आते हैं। वो हमें कहते हैं कि आप कुछ मेडिकल सीट्स रिजर्व कर सकते हैं, हम आपको राइट दे रहे हैं, रिजर्व कर लीजिए, और स्टूडेंट्स जब नीट का एग्जाम दे लें तो उसके बाद आपके पास जो भी ऐसा कॉल आता है आप उन्हें हमें दे सकते हैं, उनकी फीस का कुछ पार्ट हम आपको देंगे। लेकिन आज तक हमने इस चीज के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट रह करके एक भी स्टूडेंट का एडमिशन डोनेशन फीस पे नहीं करवाया था। हम इस बिल को, इस ड्राफ्ट के इस पॉइंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कोई अफोर्ड कर पाता है, लेकिन उस अफोर्ड की वजह से जो एक्चुअली वो बच्चे जो सच में हकदार हैं एक मेडिकल सीट के, एक एमबीबीएस सीट के, एक पीजी सीट के, वो रह जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं उतना पैसा अरेंज, और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से उनका सपना चूर चूर हो जाता है। हम इसके हमेशा अगेंस्ट रहे हैं, और इसलिए ये पॉइंट बहुत अच्छा रहा है कि एनएमसी ने कहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस को, कि वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, देखिए क्या क्या फॉर्म होते थे वो मैं आपको बता देता हूं। मेडिकल कॉलेज की सीट नीट होने से पहले ही बेच दी जाती थी, सच में ऐसा होता था और अभी भी होता है, जब तक कि ये ड्राफ्ट पास होकर के लागू नहीं हो जाएगा पूरी तरह से, ऐसा होता है स्टूडेंट्स ज्यादा, क्योंकि देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बहुत ज्यादा फीस होती है, बहुत ज्यादा। साउथ के मेडिकल कॉलेजेस साल की 5-6 लाख फीस को मानते हैं और उस अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, पहले ही इन सीट्स को बेच देते हैं, ऑफर करते हैं काउंसलर्स को कि आप जो हैं हमसे 6 लाख में ले लीजिए सीट, और स्टूडेंट से चाहे फिर वो काउंसलर 8 लाख ले, 10 लाख ले, कुछ भी ले, और लोग ऐसा कर रहे हैं। ये एक शर्मनाक चेहरा कह सकते हैं हम इस फील्ड का। तो हम यही कह रहे हैं कि ये पॉइंट बहुत ही अच्छा रहा। इस पॉइंट ने क्या किया कि कैपिटेशन फीस को बिल्कुल खत्म कर दिया है, अब डोनेशन नहीं लिया जा सकेगा जब भी ये लागू होगा ड्राफ्ट तब से, ठीक है। दूसरा पॉइंट अच्छा क्या है, ये एक और फेवरेबल बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दो तरह के कॉलेजेस होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है एमबीबीएस के लिए, पीजी के लिए, वो बहुत कम होती है, इजीली अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कम फीस होती है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम कई स्टेट्स की बात करें तो एमबीबीएस की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स हैं उनकी शुरुआत होती है 13 लाख 14 लाख पर ईयर से, और कुछ मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करें तो 25 लाख पर ईयर, 30 लाख पर ईयर ये फीस रहती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एमबीबीएस के लिए, इसी तरह से पीजी के लिए।
इतनी हाई फीस स्टूडेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास में पैसा है, चाहे वो डिजर्व करते हो नहीं करते हो, उतने मार्क्स अच्छे हो नहीं हो, पैसा है अफोर्ड कर सकते हैं, करते हैं। लेकिन उनका क्या, जो डिजर्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मार्क्स लेकर के आते हैं लेकिन कुछ मार्क्स से कट ऑफ से रह जाते हैं गवर्नमेंट सीट्स के, उनका क्या? तो अब क्या होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं उनकी जो भी टोटल सीट्स होती हैं, सपोज करिए एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीट्स हैं, तो 50% सीट्स यानी 50 सीट्स जो हैं उनकी फीस डिसाइड करेगी गवर्नमेंट। यानी हो सकता है गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेती है वही फीस उनकी डिसाइड कर दे, हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो यह बहुत अच्छा होगा उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ से कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, वो भी अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट की डिसाइडेड फीस पे इजीली पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं डिसीजन होगा जो एनएमसी ने ड्राफ्ट बनाया है, उसमें इसको बहुत अच्छे से रखा है। 50% जो सीट्स होती हैं प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की, उनकी फीस 50% जो रिमेनिंग रहेगी, प्राइवेट कॉलेजेस को छूट रहेगी कि वो जो लेते हैं, जो लेना चाहते हैं फीस वो ले सकते हैं, लेकिन जो 50% सीट्स हैं उन पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। खास करके क्या होता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कई सारी फीस लेते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पे, बहुत सारे एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस लेते हैं, वो सब हट जाएंगे, इस तरह की कोई फीस नहीं ले पाएंगे। एक फीस होगी जिसे डिसाइड करेगी गवर्नमेंट 50% सीट्स के लिए और वो ही लागू होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं पॉइंट्स हैं। हमने 25 पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स लिए जो स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए अच्छे हैं। अब देखिए एक और मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो ये है कि जितने भी 25 पॉइंट्स हैं इनको पब्लिकली रख दिया है एनएमसी ने। पब्लिकली रखने का मतलब है आप सबसे, स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, पब्लिक से उन्होंने राय मांगी है इस ड्राफ्ट पे। आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, आप जो चाहें वो बता सकते हैं इसके लिए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते हैं, जो भी है आप लोगों से राय मांगी है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए करना क्या है, एक मेल आईडी प्रोवाइड की है एनएमसी ने, क्या है वो, legal@nmc.org.in, इस पे मेल करना है आपको, ठीक है, अपना मेल आईडी जो भी है आपका उससे आपको मेल करना है इस मेल आईडी पर और बताना है जो भी आपको पॉइंट रखना हो, ओपिनियन हो आपकी, सजेशन हो आपका, आप रख सकते हैं। तो ये पब्लिकली ओपन किया है इसे, बहुत अच्छी बात रही है ये। साथ ही साथ हमने कहा कि एक अच्छा ड्राफ्ट लेकर के आए, 2 साल से वेट था इस ड्राफ्ट का, अब लागू कब होता है बात ये है। तो देखिए ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि कोशिश जारी है इसी सेशन 2021 से स्टार्ट कर दे। रीजन ये है कि 2021 का सेशन इस बार लेट स्टार्ट हो रहा है, अगर ये टाइम पे स्टार्ट होता, अगर नीट मई में हो जाता, जून में उसका रिजल्ट आ जाता और फिर काउंसलिंग होती और सेशन स्टार्ट हो जाता, तो इसे इस साल या 21 में लागू करना इंपॉसिबल था, नहीं अप्लाई होता। लेकिन क्योंकि अब नीट इस बार लेट होने जा रहा है, सेशन लेट स्टार्ट होगा, तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये ड्राफ्ट जो है पास हो जाए, क्योंकि ड्राफ्ट को भी पास होना है, ड्राफ्ट पास हो जाएगा और अप्लाई हो जाए इस सेशन में, ये चांसेस हैं। अगर इस साल नहीं तो 100% 2022 में तो स्टार्ट होना ही होना है किसी भी हाल में। अब आप जो सजेशंस लिखकर दे रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोग भी ये सजेशन लिखकर दें मेल पे कि इसे 2021 में इसी सेशन से स्टार्ट किया जाए, सो दैट आप जो बच्चे हैं इन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो ये एक न्यूज जो कि रिसेंटली हमारे पास में पहुंची, हमने इसे पढ़ा अच्छे से, सभी पॉइंट्स को समझा, कुछ इंपॉर्टेंट लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनसे बात करके कोशिश की और ज्यादा इंपॉर्टेंट जानने की कि कब से कैसे लागू हो सकता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको मिली, आप के लिए इसी तरह जुड़े रहेंगे। काउंसलिंग के लिए भी हम लोग आगे पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, जो प्री रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में करवाना चाहेगा वो कर सकेगा, इस बार काउंसलिंग हम लोग पेड करवाएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें, साथ बने रहें, पढ़ते रहें और सेलेक्ट हों। ऑल द बेस्ट।